पृथ्वीराज के उमेश पाल हत्याकांड में हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसी ही एक कार प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के घर के पास से बरामद की है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को शक है ये वही गाड़ी है जिसका इस्तेमाल शुक्रवार को उमेश पाल की हत्या के दौरान हुआ था। प्रयागराज के सुलेमन सराय से उमेश पाल पर हुए हमले का जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसमें सफेद रंग की क्रेटा कार से कुछ हमलावर निकलते दिखाई दिए। इन दोनों तस्वीर में पहली तस्वीर अतीक के घर के पास मिली कार की है, दूसरी तस्वीर शुक्रवार के हमले के दौरान की है। दोनों गाड़ियां एक जैसी दिखती हैं, कई सबूत साफ साफ दिख रहे हैं। जो गाड़ी बरामद हुई है उस पर भी सनरूफ लगा है, हमलावर भी सनरूफ वाली गाड़ी से थे, उस पर भी सनरूफ था। दोनों गाड़ियां एक जैसी काली शीशे वाली हैं, दोनों गाड़ियों के टायर अलॉय व्हील बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिस गाड़ी से हमला हुआ था उसके पीछे शीशे पर वाइपर लगा था, जो कि बरामद गाड़ी उसके पीछे भी शीशे पर वाइपर लगा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों के अगले शीशे पर एक खास तरीके का स्टिकर लगा हुआ है। हालांकि जिस गाड़ी पर हमला हुआ उस पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, जबकि जो गाड़ी बरामद की गई है उसकी नंबर प्लेट गायब हुई है। प्रयागराज में उमेश हत्याकांड के दौरान घायल दूसरे पुलिस कांस्टेबल राघवेंद्र की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन अभी स्थिर राघवेंद्र को और बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज से लखनऊ रेफर किया गया है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में राघवेंद्र का इलाज किया जाएगा। गनर राघवेंद्र को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस के जरिए प्रयागराज से लखनऊ भेजा गया। गनर राघवेंद्र के साथ चार डॉक्टर्स, तीन पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भेजी गई। आपको बता दें कि उमेश पाल पर हमले के दौरान गनर राघवेंद्र को भी गोलियां लगी, बमबाजी में राघवेंद्र को गहरी चोटें आईं। डॉक्टरों ने राघवेंद्र का ऑपरेशन कर गोलियों को निकाल दिया, लेकिन राघवेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में हमलावरों ने जिस कार का इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसी ही एक कार प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के घर के पास से बरामद की है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को शक है ये वही गाड़ी है जिसका इस्तेमाल शुक्रवार को उमेश पाल की हत्या के दौरान हुआ था। प्रयागराज के सुलेमन सराय से उमेश पाल पर हुए हमले का जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसमें सफेद रंग की क्रेटा कार से कुछ हमलावर निकलते दिखाई दिए। इन दोनों तस्वीर में पहली तस्वीर अतीक के घर के पास मिली कार की है, दूसरी तस्वीर शुक्रवार के हमले के दौरान की है। दोनों गाड़ियां एक जैसी दिखती हैं, कई सबूत साफ साफ दिख रहे हैं। जो गाड़ी बरामद हुई है उस पर भी सनरूफ लगा है, हमलावर भी सनरूफ वाली गाड़ी से थे, उस पर भी सनरूफ था। दोनों गाड़ियां एक जैसी काली शीशे वाली हैं, दोनों गाड़ियों के टायर अलॉय व्हील बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जिस गाड़ी से हमला हुआ था उसके पीछे शीशे पर वाइपर लगा था, जो कि बरामद गाड़ी उसके पीछे भी शीशे पर वाइपर लगा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि दोनों ही गाड़ियों के अगले शीशे पर एक खास तरीके का स्टिकर लगा हुआ है। हालांकि जिस गाड़ी पर हमला हुआ उस पर नंबर प्लेट लगी हुई थी, जबकि जो गाड़ी बरामद की गई है उसकी नंबर प्लेट गायब हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।